बेटी की शादी के लिए पटवारी इक्का से उधार रुपए मांगना पड़ा महंगा। जालसाजी कर जमीन कार्रवाई कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम शिवपुरी। पटवारी अनिल इक्का ने एक गरीब परिवार के साथ जालसाजी कर धोखे से जमीन अपने साथ कार्य करने वाले ऑपरेटर के नाम करवा दी। इतना ही नहीं, उसी ऑपरेटर ने यह जमीन गाँव के किसी दबंग को विक्रय कर दी। जब इस बात का पता जमीन के मालिक को लगा तो उन्होंने पटवारी से जाकर पूछा, लेकिन पटवारी अब कुछ भी जवाब देने से इनकार कर रहा है। मिठुआ पुत्र सुमेरा वंशकार निवासी ग्राम छुतरी तहसील खनिया थाना ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि उसकी बेटी की शादी के लिए उसे रुपए की आवश्यकता थी, जिस पर वह पटवारी इक्का के पास गया। पटवारी ने कहा, रुपए तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। बेचारे अनपढ़ मिठुआ ने अपनी जमीन को पटवारी के पास गिरवी रख दी, लेकिन पटवारी ने जालसाजी कर उस जमीन को साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम करवा दी और मिठुआ को 50,000 रुपए दे दिए। कुछ सालों तक मामला यूं ही चलता रहा। इस बीच मिठुआ ने उधार लिए रुपए भी लौटा दिए, लेकिन उसकी जमीन पर गांव के ही एक दबंग ने आकर कब्जा कर लिया। जब मिठुआ ने पूछा कि आप मेरी जमीन को क्यों जोत रहे हो, तो दबंग ने कहा कि यह जमीन मैंने अपने नाम करवा ली है और मैं इसका मूल्य भी चुका चुका हूँ। जिस पर मिठुआ वंशकार पटवारी के पास पहुंचा तो पटवारी ने कहा कि वह उसकी जमीन वापस दिलवा देंगे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन उसकी जमीन वापस नहीं मिली। इसके बाद पटवारी आनाकानी करने लगा और कहने लगा कि तुम्हें जहां दिखे वहां मेरी शिकायत कर दो, तुम्हारी जमीन तो बिक गई है। मिठुआ ने कलेक्टर को आवेदन देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। आपका मिठूलाल कौन सा माजो वंशकार कहाँ रहते हो? झूतरी गाँव कपड़ता है कौन से थाने पे आता है? खटिया थाना। कलेक्टर साहब के पास आपके समस्या लेके आओ। जी समस्या लेके आए कि एक का पटवारी हमारे सर्कल का काम करता था, ना पता जमीन से विश्वास करो। मेरी बच्ची की शादी है, जिसमें मैंने 50,000 रुपये लाए, मैंने उसी जमीन में से, वो बोले हम करवे नहीं आएंगे, तो जी करने से मैंने अपना बीज खाद अपने पैसे से कर करके उसको पैसा जमा करे। मैंने कही कि वो वापस कर दे, सुबह जो अकेले आए कि वो तो लड़की हो गई उसकी, तो उस लड़की ने बेच ली। वो काम करता था उसके साथ में। अब बोले मैं क्या करूं, फिर वो जी बोला कि मैं वापस कर दूंगा। आज 10 दिन की कह रहा है कि मैं वापस कर, अभी जोत लाई दूसरे को दे दी उसने। तो हुआ क्या था, कैसे जोत दी उसने, कैसे बेच ली उसने दूसरे को? नहीं, उसने कैसे भेजी जमीन, तो आपकी है ना? मेरी जमीन थी, सो वो हती गिरवी ना वहाँ धरी थी। आपने गिरवी रखी? हाँ गिरवी रखी। किसको रखी थी? वो एक का ही पटवारी को। क्या नाम है, क्या नाम पटवारी का? अनिल नाम है उसका, एक का के नाम से पूछता है। अच्छा, हाँ, तो पटवारी को आपने गिरवी रखी थी? हाँ, गिरवी रखी। सुबह ने वो अपना वो नौकर था वो, उसके नाम वाले लिखा पढ़ी करवाई थी, तो मेरे फिर अंगूठा लगवा लिया। मैंने कहा कि कछुप कर तो नहीं रहा, मैं पढ़ाने के नहीं ना हाथों से, बोला कि वो कछु नहीं हो रहा। कितनी जमीन दी आपकी? 2 बीघा में 1 बिस्वा कम। तो ये आपको कमाल चला? अभी जोत लाई दूसरी, बोले हमने तो पैसा ले लिया है, पैसा दिया है उसको, तेरे से थोड़ी ली हमने, वो लई हमने एक का पटवारी से लई। नहीं तो आपने तो गिरवी लगी, तो उसने कैसे कब्जा कर लिया फिर? तो साहब मुझे बता दें, धोखे से उसने अंगूठा लगवाया आपने? किसने लगवाया, किसने लगवाया? एक का पटवारी ने। अच्छा, हाँ, तो इसकी शिकायत आपने की? नहीं कही, अब अभी अभी पता पड़ा वो जमीन जो थी दूसरे आदमी ने, मतलब धोखे से उसने आपको अंगूठा लगवाया और जमीन अंगूठा लगा देते। वो पटवारी कहाँ गए? वो छत्तीसगढ़ का है, वो मकान है, वही रहता है खनिया रहता है। आज जनसुनवाई में आए थे कलेक्टर साहब ने क्या कहा, क्या कहा था? आवेदन लगा दिया तो आपने गिरवी कब रखी थी? 4-5 साल हो। आपकी बेटी का नाम क्या है? रुचि। उसी की शादी थी तब रखी थी आपने?